हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन पार्ट 3 है ये, चैप्टर 1 यानी कि जैव प्रक्रम का। तो इसमें इन ह्यूमन भी कवर करने वाले हैं और पौधों में भी कवर करने वाले हैं। तो पहले सबसे श्वसन है क्या, यानी कि परिभाषा या समझने के लिए, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है, या फिर ग्लूकोज का विखंडन जब किसी जीव के शरीर में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अब ये तो नॉर्मल है। अब कई बार क्या होता है कि श्वसन O2 के प्रेजेंस में होता है, और कभी कभी होता है जब O2 उपस्थित ही नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता। तो पहला, तो जब हम ह्यूमन में पढ़ते हैं तो ये रासायनिक समीकरण इम्पॉर्टेंट है, या फिर इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, O2 की उपस्थिति में क्या बनता है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बन जाती है। अब इस केस में जो ऊर्जा बनती है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, यानी कि 36 ATP ऊर्जा होती है। अब ये ATP क्या है, तो ATP समझने से पहले ये जो समीकरण है ये क्या है, बैलेंस्ड, यानी कि मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है चैप्टर में बैलेंस्ड इक्वेशंस, संतुलित समीकरण। तो संतुलित रहेगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में केवल केमिस्ट्री में आ जाता है कि इसे संतुलित करना, तो ये काफ़ी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है। अब ATP क्या है, तो जब श्वसन के बाद संचित करना होता है ऊर्जा को, तो उसको ATP के रूप में संचित करते हैं, लेकिन पहले क्या बनता है, ADP प्लस P होता है। ADP यानी कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, इसमें एक और फॉस्फेट अणु को मिलाकर और ATP का यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण किया जाता है। और जब जीव को ज़रूरत होती है तो वो ATP को फिर से किस में चेंज कर लेता है, इस फॉर्म में, और तब उसका यूज़ करता है, ऊर्जा बना लेता है। जब क्योंकि हमेशा बॉडी को ज़रूरत, कई बार ऐसा होता है कम ज़रूरत होती है, तो अगर पहले से है तो ATP को नहीं तोड़ा जाता है ADP में। अब जो मेन एक टॉपिक है कि इसको, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कभी कभी हम जब दौड़ते हैं या फिर स्पोर्टमैन दौड़ता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन तो एक टाइम पे होता है कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेगा, तो वहाँ पे इसकी जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है, ऊर्जा। अब इस केस में क्या होता है, जब ये लैक्टिक एसिड बन जाता है तो ये हो जाता है, जब ग्लूकोज टूटता है किसमें, तो इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, ये केमिस्ट्री का है, लेकिन जब हम, क्योंकि कई बार होता है कि समीकरण पूछ लेता है तो हम ये लिखते हैं तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, प्लस CO2 बनता है, प्लस क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ये किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में ये प्रक्रिया क्यों होती है, O2 तो वो लेता नहीं है, और ये प्रक्रिया होती कहाँ पे है, कोशिका, क्योंकि हम जानते हैं मेन जो ग्लूकोज टूटता है वो कोशिका में टूटता है, लेकिन कोशिका के किस पार्ट में, तो कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया होती है। जबकि जो ह्यूमन की प्रक्रिया है वो किस में होती है, तो पहला उसका चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पावर हाउस, क्योंकि ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मेन बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट समीकरण है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे एब्सेंट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो ऐसे जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी बोलते हैं, या फिर अवायवीय बोल सकते हैं, या फिर इसको कर्ब साइकिल भी बोलते हैं। कर्ब साइकिल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कर्ब साइकिल एक कह सकते हैं 11th-12th के लेवल का नेम है, तो इसको नहीं भी याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार अनॉक्सी नेम से पूछ लेता है, कई बार अवायवीय नेम से। तो ये तो हो गया अनॉक्सी। तो पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है, वो उसे क्या बोलेंगे हम तब, तो उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन, ये हमने समझ लिया। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि अनॉक्सी और ऑक्सी में अंतर क्या है, तो पहला अंतर तो हम
देखें तो इसमें ऊर्जा 4 ATP बनती है और उसमें हमने पढ़ा था 36 ATP। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा बहुत कम कह सकते हैं निकलती है, बनती है, ऑक्सी में बहुत अधिक बनती है। दूसरा क्या, अनोक्सी यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, इसमें बोल सकते हैं ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ऑक्सी श्वसन में जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 प्लस H2O, ये एक लिख सकते हैं हम। अनोक्सी में क्या होता है, इथेनॉल लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम 10th के लेवल में पढ़ रहे हैं, तो इथेनॉल लिख सकते हैं या फिर लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं। और क्या डिफरेंस है, तो अनोक्सी में अगर हम देखें तो ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है, ग्लूकोज पूर्णता नहीं टूटता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता। ऑक्सी में लिख देते हैं हम ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। मेन 3 से 4 आपको नॉर्मल दिखते हैं, केवल 4 आप अगर लिख देते हो तो 4 नंबर के क्वेश्चन में इनफ होता है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 बता दिए हैं, और भी कुछ होते हैं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और एक क्या है कि अनोक्सी हमेशा कहाँ होता है, अभी मैंने बताया कोशिका द्रव्य में होता है, और ऑक्सी पहला चरण कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये मेन 4 मैंने बता दिए, 4-5 बहुत होते हैं लिखने के लिए। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, अब ये तो हमने पूरा ऐसे पढ़ लिया, अब हम श्वसन की प्रक्रिया, क्योंकि बायो है तो विदाउट फिगर तो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो अब हम फिगर से समझ लेते हैं। तो ये एक मैंने बहुत रफली फिगर बना दिया, आप NCERT फिगर प्रिफर करो सारे लोग, बिकॉज़ NCERT सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा नासा द्वार, नासा द्वार से ऑक्सीजन और भी बहुत सारी वायु, CO2 भी जाती है और बहुत सारी गैसें जाती हैं यहाँ से होते हुए, इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया या कह सकते हैं श्वास नली हिंदी में। यहाँ पे कहीं लैरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र पाया जाता है। यहाँ से होते हुए ये कुछ कोलेनुमा, इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, संरचना पाई जाती है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं बताया गया अभी हमें। तो यहाँ से होते हुए ये होता है जो मेन पहले एक निकल के जाता है, उसे हम बोलते हैं हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस डिवाइड होते हैं किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं वायु कोष्ठिका बोल देते हैं, या फिर एल्वियोली बोल सकते हैं उसे हम। और ये पूरा तो होता ही है फेफड़ा, लंग्स। तो जब वायु ब्रोंकस में पहले जाती है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, और फिर वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली, ये एक मान लेते हैं, एल्वियोली को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये कुछ ऐसी ही दिखती है। तो यहाँ से क्या जुड़ा होता है इसमें, यहाँ से बहुत सारी रुधिर नलिकाएँ जुड़ी होती हैं। रुधिर नलिकाओं का क्या काम है, तो रुधिर नलिकाएँ मेन काम करती हैं कि यहाँ से ब्लड यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे हमारी क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कौन ले लेता है, हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को ले लेता है, और हीमोग्लोबिन CO2 नहीं रखता, CO2 कैरी नहीं करता, ब्लड में CO2 पाया जाता है, वहाँ से CO2 दे दिया जाता है, और फिर ये वापस सेम प्रक्रिया होते हुए CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये फिगर आई होप समझ में आ गया हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं बट कभी कभी बहुत अच्छे नंबर में विद डायग्राम आ जाता है, तो फिगर तो इम्पॉर्टेंट है और उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना होता है, तो ये सब जो मैंने बताया वो सब डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेम सबके अच्छे से याद होने चाहिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने ह्यूमन का देख लिया, अब हमने क्या पढ़ा था, कोशिका में होता है ग्लूकोज का विखंडन। तो अभी यहाँ पे हमने ग्लूकोज का विखंडन पढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, गैसों का विनिमय, यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं हम लोग गैसों का विनिमय, या फिर यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हम लोग बाहर से आना वायु का, और जाना क्या बोलते हैं, आने को बोलते हैं हम निश्वसन, और जाने को बोलते हैं हम लोग उच्छ्वास। और ये दोनों प्रक्रिया मिलके बनाती हैं ब्रीदिंग। आई होप समझ में आ गया हो। अब एक चीज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, एल्वियोली ये कैसे डिज़ाइन की गई है कि गैसों का विनिमय अधिक से अधिक हो। तो पहला होता है ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया कवर करता है, जैसे कि यहाँ पे है, और इसकी दीवालों
इसकी दीवारों से उतनी ही रुधिर नलिकाएं भी अधिक, क्योंकि इतनी रुधिर नलिकाएं जुड़ी हैं तभी तो गैसों का विनिमय स्पीड में हो पा रहा है। तो ये हो गया एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट। अब एक फेफड़े में लगभग कितनी ये वायु कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, तो 3×10⁸। ये कोई मतलब नॉलेज का क्वेश्चन है, ये बहुत कम पूछने के चांसेस होते हैं। और डायाफ्राम जो होता है यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो क्या मदद करता है, तो निश्वासन और उच्छ्वास में, वायु को लेने और देने में। जब हम बॉडी को देखते हैं तो बॉडी फूलती है जब हम सांस लेते हैं, तो क्यों ऊंची हो जाती है, क्यों? क्योंकि इस डायफ्राम की वजह से। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा प्लांट्स में दिया है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पौधों में श्वसन कैसे होता है, इसमें हम लोग को बहुत थोड़ा पढ़ना है 10th क्लास के लेवल में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है गैसों का विनिमय। अभी हमने ह्यूमन में देखा था गैसों का विनिमय, अब यहाँ पे देखेंगे। तो गैसों का विनिमय किन अंगों द्वारा होता है, तो पहला तो हम पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो पहला तो इसके द्वारा होता है। कुछ छोटे पेड़ों में क्या होते हैं, जो तने होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे, तो इनमें भी रंध्र पाया जाता है सेम, तो यहाँ से भी गैसों का विनिमय होता है। और जो बड़े पेड़ पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, वुडी तने होते हैं, यानी कि ब्राउन कलर के तने होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं, तो उनमें क्या पाए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को बोलते हैं हम लोग लेंटिकल। इन छिद्रों द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। अब दिन में हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो O2 बनता है, और यूज़ क्या होता है, CO2 यूज़ होता है। तो जो ये O2 बनता है, पेड़ भी श्वसन के दौरान O2 ही यूज़ करते, तो वो O2 बहुत कम मात्रा में लेते हैं क्योंकि वो गतिशील तो है नहीं, तो इन्हें ऊर्जा की भी कम ज़रूरत है, तो इसलिए इन्हें O2 बहुत कम यूज़ करना होता है। तो O2 को ये यूज़ करके और CO2 बनाते, तो ये CO2 वो अपने प्रकाश संश्लेषण में यूज़ कर लेते हैं। और रात में क्या होता है, यही उल्टा हो जाता है प्रक्रिया, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा, तो रात में क्या करते हैं कि ये भी CO2 रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं पौधे भी। अब बस इतना ही, ज़्यादा पौधों में श्वसन नहीं था तो मैंने पढ़ा दिया जितना था टॉपिक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो आई होप समझ में आया हो, और नोट्स बनाते, जितना मैंने पढ़ाया सबका नोट्स बनाते रहो, सो दैट लास्ट में काम आएगा वो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।